किद्दा आगे फिर लेट्स फकिंग गो जीत के इंडिया मतलब जीत जाएगी भले ही बैटल ऑफ द जोकर्स हो अंदर भरा हुआ है 11 सालों से पहले लिया ऑस्ट्रेलिया से बदला और फिर इंग्लैंड से बदला अबे इतना बदला बॉर्डर फिल्म बना दी और क्या स्क्रिप्ट लिखी है जय शाह ने बारबेडोस में झंडा गाड़ेंगे साउथ अफ्रीका ना गाड़ दे इंडिया अफगानिस्तान बांग्लादेश तीनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया नेक्स्ट लेवल एक्टिंग फ्रॉम अफगानिस्तान बॉलीवुड के नेपो किड से बहुत बढ़िया एक्टिंग की है फुटबॉल में होता था अब क्रिकेट में भी होने लगा है रिजवान गॉट अ कॉम्पिटिशन कोच वॉज लाइक डोंट मेक इट ऑब्वियस ले लो तालिबान थैंक द बीसीसीआई अबे वहां तो टैली बैन इन लोगों ने क्रिकेट किस पे देखा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर गुलबदीन नायक फॉर लीडिंग परफॉर्मेंस राशिद खान फॉर हाइडिंग हिज एज ऑजीज फॉर सपोर्टिंग बांग्लादेश पर बांग्लादेशियों को तो सहवाग को राइट प्रूफ कर रहा था डोंट प्ले फुल शॉट यू आर जस्ट अ बांग्लादेशी हू इज गोना विन दिस वर्ल्ड कप माय गेस रेन बड़ा हूं आज भी वही दैट्स माय डेक एवरी नाइट होस्ट नेशंस हुए वर्ल्ड कप से बाहर Bro lost a rigged home World Cup. रोहित शर्मा पाकिस्तान वाले एक्यूजेशन लगा रहे हैं इंडिया पे फिक्सिंग का really, अबे 10 साल से कोई ट्रॉफी नहीं आई वो बोलते ना चोर की दाढ़ी में तिनका और बॉल टेम्परिंग के लिए अर्शदीप को एक्यूज कर रहे हैं द ओनली थिंग अर्श टेम्पर्स इज विद नीडल्स वरुण चक्रवर्ती आई विश आई हैड अ पेड पीआर नहीं भाई तेरी बीबी के पास बीजेपी की टिकट होनी चाहिए थी अक्षर पटेल इज बेटर देन जडेजा बापू थारी लिंक कमाल छे दैट्स व्हाट बिचेस से टू हिम नया बापू आ गया मार्केट में नोटों पे फोटो चेंज करो रोहित स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 92 इज ग्रेटर देन 91 गौतम गंभीर और ये सर कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 रोहित और विराट की आखिरी होगी अब एक बॉम्ब से उड़ा दोगे क्या वहां और हार्दिक को ट्रोल करने वाले अब का है वैसे वेस्ट इंडीज में तो पांड्या ने चलना ही था होम एडवांटेज एलेक्सा प्ले बुमरा सॉरी बुमरा इज अनप्लेबल एक और बार मैंने ये जोक सुना तो मैंने अलेक्सा की बुंड मार लेनी है दैट बी द फर्स्ट एआई रेप और पाकिस्तान यूएसए से हार गई जो होटल में ऑफिस का काम कर रहे होते हैं हेलो बॉस डीके तेरे से मैं बाद में बात करता हूं अभी मेरे को कोहली को जाके बोल्ड करना है रात में जीरा पे पुल और सुबह बुमरा पे पुल डेविड वार्नर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं टिकटॉक से भी हो जा प्लीज थ्री थिंग्स इंडियन क्रिकेट टीम फियर्स ऑस्ट्रेलिया ग्रीन पिचेस और पंत यार पंत बिल्कुल लड़कियों की तरह है ना इसे ड्राइविंग आती है ना स्वीप इफ आई हैड अ डॉलर फॉर एवरी सेक्सिस्ट थिंग आई हैव सेड आई वुड हैव गॉटन द सेक्सीएस्ट बिच फाइनल विल बी द बैटल ऑफ चोकर्स साउंड्स लाइक ब्रेजर्स अफगानिस्तान सेलिब्रेटेड लाइक आरसीबी जस्ट लाइक आरसीबी दे ऑल्सो गॉट नॉक्ड आउट और नॉकआउट तो मैं हो गया था जब मुझे पता लगा विजय मल्या के बेटे ने एसबीआई एम्प्लॉय की बेटी से शादी कर ली व्हाट द फक इज गोइंग ऑन अब हम देखेंगे अपना फेवरेट यूट्यूबर ही शुड बी बैंड फ्रॉम यूट्यूब बिकॉज ही इज टू गुड जैसे ही अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 रनों से हराया सारे अफगानिस्तान में जश्न का माहौल बन गया हर जगह छुट्टियां घोषित कर दी गई अबे राशिद क्या मिलखा है जो पूरे देश में छुट्टी हो गई वैसे पूरे देश की छुट्टी तो हो गई है जी हाँ दोस्तों किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अफगानिस्तान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के ग्रुप में होने के बाद भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए एक्सेप्ट फॉर दिस लारा दत्ता पर इसको अपने ही वेस्ट इंडीज ने धोखा दिया ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था चोकर साउथ अफ्रीका विद गोट लीग स्टेज साउथ अफ्रीका लीग स्टेज में साउथ अफ्रीका बंबू देती है और नॉकआउट्स में अपनी शुरुआत हुई अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की जीत से जहां पर ऑस्ट्रेलिया भी हक्के बक्के रह गए वहीं दूसरी तरफ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रेल कर अफगानिस्तान का रास्ता साफ कर दिया एक वक्त था जब ब्रिटिशर्स ने हमारी रेल बनाई थी सॉरी हमारे लिए अफगानिस्तान का रास्ता साफ कर दिया शायद यह भी एक वजह रही होगी कि अफगानिस्तान भारत के नेशनल फ्लैग को लेकर जश्न मनाते दिखाई दिए भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के भले के लिए काम किया है चाहे वो राजनीतिक हो या फिर अब क्रिकेट तालिबान होने से तो नहीं रोक पाए हम वहीं जब अफगानिस्तान में इस जीत का जश्न मनाया जा रहा था तब वहाँ अफगानी फ्लैग के साथ भारतीय झंडे को भी लहराता देखा गया उस वक्त हर कोई ये नजारा देख हक्का बक्का रह गया जब फ्लोरिडा की इस हॉट लड़की का दिल हैंडसम हंक जसप्रीत बुमराह पर जा अटका कॉलिंग अनदर मैन हैंडसम हंक इज काइंड ऑफ गे क्रिकेट
लेकिन तभी पीछे ही खड़े यशस्वी जायसवाल को जलन महसूस हुई, उन्हें रहा नहीं गया, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। और आगे उन्होंने कुछ ऐसा कर डाला जानकर आप भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्या कर दिया गोलगप्पे के ठेले वाले ने ऐसा? जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस कनाडा का यह T20 वर्ल्ड कप मैच बिना एक भी बॉल खेले कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। वजह थी फ्लो। अरे मां चुदाने गई वजह, ये बता क्या किया? वहीं जब दोनों टीमों के खिलाड़ी हैंडशेकिंग कर रहे थे, हैंडशेकिंग समथिंग थला सन्स कैन नॉट रिलेट टू, देखते ही रह गई। उसे जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। शी इज जस्ट लाइक रोहित व्हेन ही वांट्स विकेट्स। उसे जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। तभी पीछे ही खड़े यशस्वी जायसवाल ने उस लड़की को देखते हुए कहा, ही इज मैरिड। ही इज मैरिड और इस पर तूने वीडियो बना दी, और इसकी वीडियो पे मैंने वीडियो बना दी। वैसे अब संजना जसप्रीत बुमराह का क्या हाल करेंगी, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट, उस वक्त हर कोई हक्का बक्का रह गया था जिस वक्त मैंने इसकी माँ को उसको पैदा किया। उस वक्त विराट कोहली भी यह नजारा देख शर्म से लाल हो गए जब यूएसए की एक हॉट फैन उनके लिए भरे मैदान का मुक्ता से भरा नृत्य करने लगी। किस भरा नृत्य? अब हम हिंदी की पुस्तिका खोले इसी पुसी को देखने के लिए, हिज सोर्स आरसीबी ट्रॉफी। विराट कोहली भी पूरी तरह पिघल ही रहे थे कि तभी अचानक वो घटित हो गया जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं करनी मुझे कल्पना, आई नो इफ आई डू कल्पना हर 15 सेकंड में मैं भूलने लगूंगा। अमेरिकन फैन इस तरह अपनी कामुकता प्रदर्शित करने लगी। बहरहाल विराट कोहली तो शादीशुदा निकले, वरना ना जाने आज रात क्या हो जाता। What the fuck, dude, chill. Virat's favorite words at night. Choke me, daddy. अबे कल्की भी आई है। प्रभास बने हैं बूटी हंटर। ये तो टेरेस लुइस की कहानी हो गई। कमल हसन प्रोक्लेम्ड गॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या कॉम्प्लेक्स? मल्टी कॉम्प्लेक्स। यू नो व्हाई ही इज द गॉड? क्योंकि रियल स्टेट में काफी 420 होती है। दीपिका पादुकोण इज प्रेग्नेंट लैब सब्जेक्ट। स्कूल टाइम की याद आ गई। दीपू दीपू लगातार बोल, दीपू 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 दीपू। अबे यार, अच्छा अच्छा तू बोल पेंसिल। अबे चूतिया समझेगा मुझे, नहीं बोल रहा। हट भाई, पेंसिल देना। क्या देना? पेंसिल। बिग एबी एज अश्वगंधा। मैं बच्चन फैमिली का डॉक्टर हूं एंड आई गॉट टू से ही रियली इज बिग एबी। दिशा पतानी भी है इस फिल्म में, मुझे पता नहीं था। इंडियन एपिक डिस्टोपियन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म। टू मेनी वर्ड्स टू से, इट्स अ शिट मूवी। द फिल्म इज सेट इन अ पोस्ट एपोलिप्टिक वर्ल्ड। टेरेस बचा रह गया, अब ये टेरेस पे कोरियोग्राफी करेगा। द बजट इज 600 करोड़। पंचो, आर यू रेडी? थोड़े पैसे राइटर्स पे भी लगा देते, लोग दूसरी कल की फिल्म की टिकटें ले रहे हैं। कलंक है इन लोगों पे। वैसे कल की ही बात है। नॉक नॉक, हूज देयर? यस आई एम हू, तुझे कैसे पता? मैं इस फिल्म को रेटिंग देना चाहूंगा लन फड़ला। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपार्ट फ्रॉम शैम्पू एंड जीरो, यू नो व्हाट एल्स वाज इन्वेंटेड इन इंडिया? मी